हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी का नहीं है वैसे तो, सच बताऊँ छुट्टी का दिन तो मेरा कभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है भाई, अपने काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो भाई काम तो रहेगा ही आज भी, बाकी अभी सो के उठाऊँ सुबह सुबह, आज घर से ही काम कर रहा हूँ। मेरे साथ उसकी छवि, और छवि की मम्मा आ रही है, और आकर के उन्होंने सीधे भाई हमारे लिए चाय बना के रेडी कर दी है। बाकी मैंने वहाँ लैपटॉप पर अपना काम स्टार्ट कर ही दिया है, और छवि अभी अभी सो के उठ गई। और ये बेटा हाथ में क्या ले रखा है राजा, ये कौन है? गुड्डा। अच्छा जी, तो भाई ये छवि का टैडी है, जो छवि के साथ ही सोता है और छवि के साथ ही उठता है। बाकी आज का अपडेट यह भी, पुत्र ने दूध नहीं पिया है, तुम्हारा भाई उठ चुका है, चाय इत्थे रखी है, छवि इत्थे है। तो आज का अपडेट अभी तक यही है, आज देखते हैं क्या बेहतर और क्या खास होने वाला है। बाकी मैंने बता ही दिया था लास्ट ब्लॉग में कि तुम्हारे भाई ने घर को सील पैक कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा भाई घर के टॉप फ्लोर पर रहता है। और मोहतरमा उठ गई है क्या? अरे मोहतरमा शायद उसमें है, मुझे मम्मा कमरे में, इसमें कौन है बेटा? फिर इसमें भाई है, भाई की शक्ल भी देखें। खोल खोल बेटा, खोल खोल बेटा, खोल। अच्छा चलो मत खोलो भैया, बाकी दिन की शुरुआत है। ये रहा, पकड़ लिया दोस्तों, मैंने पकड़ लिया इसको, छवि चतुर बनना था है कि नहीं? ये रहा दोस्तों, चतुर बनता है हमसे। पर चलो दोस्तों, सील पैक हो रखा कर देखो, यहाँ से पर्दा लग के, और भाई उत्थे उत्थे पर्दा लग के, सब कुछ सील पैक है। और इससे थोड़ी सी राहत रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं होता है, क्योंकि कूलर क्या करता है, क्रॉस वेंटिलेशन क्रिएट कर देता है, और भाई उससे काफ़ी मज़ा आता है। बाकी सुबह सुबह हुई है तो तुम्हारा भाई चाय पीता है और आज दिन की शुरुआत करता है, देखते हैं क्या बेहतर होगा, क्या खास होगा। चलो मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों है तो ऐसा ही, जूली इतनी बड़ी वाली डरपोक है ना, इतनी बड़ी वाली डरपोक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जूली से बड़ा डरपोक इस धरती पर कोई है नहीं। ये देखो। और गाइस ऊपर से तो सारे कुत्तों को भौंकती रहती है, नीचे जाती है तो पूंछ नीचे कर लेती है। ऊपर से तो फुल दादागिरी चलती है, फुल दादागिरी, लेकिन नीचे जाते जाते इसकी हवा फुस बोल जाती है। क्यों बैलून में हवा भरो और फिर फुस, ये बात है। नहाने में वो तो करेगी बेटा, ये तो ये सब तो ये करती रहती है। नहीं रहन दे बेटा, रहन दे। ऐसा सारा तो तूने टेबल पे गिरा दिया बेटा। नो बेटा डुड्डू मियो, ये वाला क्लीन करो अपना, ये क्लीन करो अपना अपना दूध क्लीन करो। ये हमेशा अपना दूध छुपाने की कोशिश करती है। चलो छवि अब नहाओ बेटा, और नहा के फिर गाइस से बात करेंगे, ठीक है? चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों चाय पानी हो चुका है भाई, और अभी हमने क्या डिसाइड किया है, गर्मी देखो उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धूप निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, पुत्र भी सुन के आ गई है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये जो है देखो, ये वाली जगह जो है, ये पूरा यहाँ पर वॉशिंग एरिया कह लो, या वॉशिंग मशीन लगती है, या जूली को नहलाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक शीट लगाई थी, बट फाइनली वो शीट अभी हो चुकी है पूरी तरह से गड़बड़, ठीक है ना? तो आज ये कुछ डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ जुगाड़ फिट करूँगा, बट सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इसको अनपिन करके मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरी सिटिंग हो गई, और ये मैंने लिए अपने औजार, और ये कुछ इस तरीके से निकालनी है। ये निकाली, अरे निकल भाई, अरे कोई कोई तो बड़ी टाइट लगी हुई है। ये निकाली, तो एक बार इसको निकालते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या जुगाड़ फिट हो सकता है। थोड़ा बेहतर करेंगे इसको, और टाइम से हमेशा से बेहतर। खोलो पाइप, क्योंकि अभी काम चलेगा मेरे ब्रो। We'll be right back.
तो आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोई शीट लगाते हैं या कोई टाइल मिल जाती है, सीमेंट मिल जाता है, क्या मिलता है वो देखते हैं। सो दोस्तों एक बार ऊपर चलते हैं ये देखने कि भाई कहीं सीमेंट है तो भाई हम टाइल वाइल का काम करेंगे, और सीमेंट नहीं है तो भाई कोई शीट का काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ घर में होती है। आज तो बड़े प्यारे से भाई फूल खिल रहे हैं चकाचक एकदम, पर पूरे दिन में हालत खर देखा मनी प्लांट की हालत दोस्तों पूरे दिन में वैसे ही। इसमें क्या है, सीमेंट कट यहाँ रखा तो बहुत सारा है, इसमें क्या है, इसी में होना चाहिए काला सीमेंट जी। तो खाद है, ये मिट्टी है, ये भी खाद है, सीमेंट ये देखो दोस्त क्या क्या मसला रखा हुआ है स्टोर रूम में। सो दोस्तों सीमेंट तो यार मिला नहीं, और सीमेंट नहीं मिला तो मेरे ख्याल से शीट वाला काम ही करना पड़ेगा मुझको भी, और शीट वाला काम शीट भी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ रेगुलर पानी चलता है, तो शीट एक बार ढूंढ के लेके आता हूँ नीचे से। भाई तीन लेबर आई हुई है नई जो कि इस सामान को सही कर रही है, मेरी दीवार को। ये देखो पानी वानी चाहिए, चाय वाय चाहिए भाई? मैडम जी एक कप चाय बना दो जरा। अरे इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है क्या? जाओ कोल्ड कॉफी बना लाओ फिर। बेटा कोल्ड कॉफी को दूध ना है, अब बता। जाओ चल जाओ यहाँ से। तो फिर पानी ले आऊं क्या, नींबू पानी? हाँ नींबू पानी बना दो, बहुत नींबू। अरे बेटा नींबू बहुत महंगे, हमें 10 रुपया का एक आ रहा है यार। ऐसे थोड़ी एक रहा, काम करे करो तो ऐसी करे करो। शाम को तुम्हें 2-2 रुपए दे दूंगी चाय पिए बाहर जाकर। भाई तुम्हें ठेकेदार कौन है? ठेकेदार ये है बनियान वाला। अच्छा, अरे तुमने तो ठेकेदार के कपड़े ही छीन लिए हैं। हट साले जल्दी चल। हाँ भाई ठेकेदार साहब कैसी है लेबर? बहुत बढ़िया। अरे ठेकेदार साहब कुछ दम तो होना चाहिए आवाज में, यूँ कह रहे हो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया को नहीं कह रही, लेबर ढंग से आज आज में काम खत्म कर देगी सारा। हाँ। फिर ठीक भाई, मुझे लग नहीं रहे, लेकिन ये जो लेबर है ये तो सही है। एक तो तुमने बिल्कुल जवान लेबर दी है, और एक तुमने थोड़ी सी एजिड दे दी, लेकिन एजिड वाले का सांस फूल रहा है। ये तो थोड़ी जवान सी लेबर है, इनने तो एक बार में ही देखो ये क्या मर्दानगी है लोंडे की भाई है। चलो कोई नहीं, मुझे तो खैर काम से मतलब है, काम होना चाहिए सही सफाई से। बेटा नींबू तो बहुत महंगे हैं। यार कोई चीज है तो मिल जाएगी हमें। हाँ है ना, तुम हमारा काम करो और पैसा ले अपनी झाड़ी और जाओ। मुझे लगा छोरे ने पाइप काट दिया इसने, अभी यहाँ लीक ना होएगा। ये पानी का पाइप नहीं है, और बिजली का? बिजली का पाइप है। अच्छा, और सीमेंट लेने कौन गया? डैडी। एक भाई ठेकेदार तुमने ऐसा ले रखा है, भाई ऐसा ठेकेदार होता है कि मेरे पैर पे छींक दिया यार तुम्हारे ठेकेदार ने। हाथ लगा के छींका? अरे नीचे मेरे पे छींक आ गई सारी। ये तो भाई इसको मत कहना, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो त्रिशूल बन रही है, त्रिशूल देखो देखो भाई। जैसा कि हम देख सकते हैं ये सीमेंट आ चुका है। हटो भाई हटो, ये बिल्कुल घर बनाने जैसी सिचुएशन आ गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों मिलके इतना अच्छा काम कर देंगे। बाकी सीमेंट इसमें आ चुका है, आज व्लॉगिंग का ठेका मैंने ले लिया है क्योंकि भाई ये देखो ये सीमेंट आ गया, ये टाइल्स आ गई, और टाइल्स भी कलरफुल लेके आए हैं अलग अलग मल्टी में, क्योंकि यहाँ मल्टी में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बड़ी पार्टी दे दो, वाइट वाली, उसमें टाइल भिगानी है। भिगानी पड़ेंगी, ये सारी भिगानी पड़ेंगी। ओके यहाँ का कूड़ा कहाँ फेंक दिया? ओके ओके चलो अब आगे देखते हैं कैसा बन के निकलता है ये यहाँ से। ये तो बैठे हैं खाली आदमी हैं, इन्हें कुछ काम नहीं है, बस मुंह बना के बैठे रहते हैं। देखो भाई मिस्त्री साहब ने टाइल्स का काम पूरा कंप्लीट कर दिया, कोशिश में तो पूरी हैं, लगा भी दिए हैं, स्टार्टिंग तो कर दी, यही काम बाकी रह रहा था लाइफ में, और ये भी हो गया पूरा। तुम्हारे तो हाथ भी मिस्त्रियों की तरह चल रहे हैं। ये पूरे में नहीं लगानी पड़ती क्या? ये
ये इससे चिपक जाएंगी, क्या दिक्कत है। और इनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम फाइनल टारगेट पे अपने पहुंच चुका है, बाकी देखते हैं। फिनिशिंग से बहुत किया जा रहा है भाई, बहुत फिनिशिंग दी जा रही है। अब कुछ दिन के लिए तो यहाँ की सीलन ख़त्म हो जाएगी, जब ये उखाड़नी पड़ती हैं तो तोड़नी पड़ती हैं, उखड़ती नहीं है अपने आप। दो घंटे लग गए दोस्तों ये सब करने में, बट फाइनली हो गया यार। अब यहाँ की टेंशन सी ख़त्म हो गई। पहले क्या था ना, यहाँ पे कुछ भी करते थे वो मैं वॉलपेपर जैसा कुछ लगाता था वो निकल जाता था, बट ठीक है अब यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगी। मैं भी अब नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। कुछ कुछ कूड़ा है वो सब मुझे फेंकना है, तो उसको एक कट्टे में बंद करता हूँ। बेटा अंदर, यहाँ गर्मी है, पहुँचो अंदर। चलो मुझे पानी पिला दो पूनम, ठीक है, पानी पिला दो यार। तो दोस्तों बाहर का काम निपट गया और तुम्हारा भाई नहा दोगे एकदम चकाचक रेडी हो गए। और यह आदि और सक्षम जो है ना यहाँ पे गेम बजा रहे हैं भाई, और आज जो है आदि के मम्मी पापा आ चुके हैं आदि को ले जाने के लिए, क्योंकि भाई ये आया था केवल 8 से 10 दिन के लिए। तो आदि जाएगा, बट उससे पहले क्योंकि दीदी जी आदि आए हैं बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो सबसे पहले तो भाई फ्लैट दिखा के आता हूँ इनको। क्यों? क्योंकि भाई मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो उनसे भी राय ली जाए, उनका भी आशीर्वाद लिया जाए। तो अभी जा रहा हूँ दीदी जी आदि को लेकर के सीधे फ्लैट पे, और मिलूँगा आपसे सोसाइटी में पहुँच कर। तो मेरे साथ हैं भाई जीजा जी और पीछे आ रही हैं दीदी, और अब चलते हैं। फाइनली गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, फिर सीधे फ्लैट में मिलेंगे भाई। ये वाली जी ब्लू, चलो आओ दीदी। बैठो आप बैठो। ओहो, गाड़ी हीट हो रही है भाई। चलो सरकार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या बात है, तो दोस्तों, अरे नमस्ते, खुश। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई दीदी को जियाजी को फ्लैट दिखाया, दीदी जिया ने पास कर दिया। अभी आदि जा रहे हैं, तो अभी आदि को नीचे छोड़ने जा रहा हूँ, और नीचे इसके मम्मी पापा एकदम रेडी हैं, दीदी रेडी है। चलो भाई नीचे चलो जल्दी, चलो भाई तू भी चल, तू भी चल भाई जल्दी से, चलो जल्दी चलो दोस्तों। ठीक। सो दोस्तों, अरे यार लाइट जलाऊं सबसे पहले, सो दैट की फेस साफ है। हाँ, दीदी जी अभी जा चुके हैं, और भाई आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हमने प्लान किया है कि आज थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं भाई। तो फाइनली यहाँ पूनम लगी हुई है किसी काम में। क्या बना रहे हो? चने बॉइल कर रहे हैं। ओके। तो ये चने बॉइल कर लिए, और ये चने जो है भाई ये हम लेके जाने वाले हैं आज शनिदेव पर, क्योंकि शनि पे तेल भी चढ़ाएंगे, थोड़ी सी पूजा अर्चना भी करके आएंगे, और फिर ये चने बांटेंगे। और यही है कि भाई चने बांटने जा रहे हैं शनिदेव पर, बाकी देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल रहेगा, क्योंकि इस टाइम पूजा होनी स्टार्ट हो जाती है शनिदेव की, तो लोग तो मिलेंगे, तो हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे चने बांट के। और तू चलना है? तो सक्षम नहीं जा रहा है भाई, कोई बात नहीं, सक्षम नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, उत्तर यहीं रहना बेटा, मैं और पूनम जाएंगे सीधे मंदिर। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ भाई, बाहर की लाइट जलाते हैं, और ये भी देखते हैं कि भैया, ओह यहाँ तो बहुत साउंड है, लाइट जल गई, लाइट जला के ये देखते हैं कि हमारी टाइल कैसी लग रही है। और मैं ऊपर जा रहा हूँ दोने लेने, क्योंकि भाई
प्रसाद बांटेंगे किसी में। तो भाई देखो ये तो तुम्हारे भाई ने टाइल लगाई थी आज, झकास बढ़िया लग रही है ना दोस्तों, बताना जरूर कमेंट करके। बट अभी चलता हूँ ऊपर, ऊपर बड़ा अंधेरा है भाई, क्योंकि जो स्टोर रूम है ना सब कुछ रखा है, उस स्टोर रूम में सब कुछ है, मतलब उसमें बहुत ही सारा सामान है, यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है भाई। ओए होए होए, लाइट जलाता हूँ सबसे पहले, लाइट 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 आ जा भाई, ये लो दोस्तों लाइट जल गई तुहाडे भाई नू। इधर खोलते हैं, इसके अंदर बहुत सामान रहता है, इसकी भी लाइट जलाते हैं स्टोर रूम की। इसके अंदर बहुत सामान है दोस्तों, जो भी कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ है ना वो हम स्टोर रूम में ला के रख देते हैं। अब ढूंढता हूँ यहाँ पे दोने का गट्टा कहाँ पे रखा है। ओहो किधर है, देर की मशक्क़त के बाद स्टोर रूम से भाई ढूंढ के लाया, क्योंकि स्टोर रूम में ढूंढना अपने आप में भाई बहुत बड़ा टास्क है। तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। तो स्टोर रूम से चार पैकेट लेके आ गया हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। बेटा ये उठा के रख यहाँ से बर्तन, और ये बना लिए चने। चलो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं सीधे आपसे मंदिर पहुँच। चल सर। दोस्तों पूजा अर्चना करके और जो प्रसाद ले गए थे वो बना बनू के भाई घर आ गया तुम्हारा भाई। और घर आके भाई अपनी लेके आया चकाचक वाली सॉक्स, दो तीन जोड़ी ऐसी सॉक्स लेके आया तुम्हारा भाई, और छवि की एक कॉटन की बढ़िया सी ड्रेस लेके आया हूँ। और मैं देखो बाजार से क्या लेके आया। अरे यार पागल है क्या, ये सब कुछ दिखाने की चीज है क्या? मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ ये। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, मौज कर दी भाई लौंडिया ने, मौज कर दी भाई मौज कर दी। तो दोस्तों अभी खाते हैं भाई खाना। वैसे तो मैं दिल से बताऊँ मैं मंदिर के बाद भंडारा हो रहा था, भंडारा खा के आ गया हूँ, पर थोड़ा कुछ खाया जाएगा और उसके बाद आज के ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे। चलो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद।